आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं 6400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात और उनका कर रहे हैं लोकार्पण। छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कॉरिडोर फेज वन खरसिया धर्मजयगढ़। इस परियोजना का मूल उद्देश्य है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स के मांड रायगढ़ कोयला क्षेत्रों में बिजली उत्पादन परियोजनाओं सहित कोयला निकासी को सक्षम करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। लगभग 3700 वर्ग किलोमीटर में फैले मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स में 18 बिलियन टन से अधिक का कोयला रिजर्व उपलब्ध है। 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित लगभग 125 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर यहां से उत्पादित कोयले को इको फ्रेंडली विधि और तेजी से बिजली घरों तक पहुंचाने में मदद करेगा। ये आसपास की कोयला खदानों से फीडर लाइनों के जरिए जुड़ा हुआ है। 74 किलोमीटर लंबे मेन लाइन में 6 फ्रेट टर्मिनल के साथ साथ भविष्य में पैसेंजर स्टेशनों का भी विकास होगा, जिससे यात्री यातायात की सुविधा में बढ़ोतरी होगी। इससे क्षेत्र का आर्थिक स्तर बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और आदिवासी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान परियोजना से एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर प्लांट तक एमजीआर मेरीगो राउंड प्रणाली लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने 65 किलोमीटर लंबे इस एमजीआर लाइन में 20 बड़े पुल मौजूद हैं। इस ट्रैक के ऊपर वन क्षेत्रों में जानवरों को सुरक्षित पार कराने के लिए एनिमल पास की संरचना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को मुंबई हावड़ा मेन लाइन से जोड़ा गया है, चांपा जामगा तीसरी लाइन। इस लाइन द्वारा इस क्षेत्र में ट्रेनों की गतिशीलता बढ़ेगी, निवासियों को मिलेगी बेहतर आवागमन सुविधा। पेंड्रा रोड से अनूपपुर तीसरी लाइन। इस लाइन के द्वारा छत्तीसगढ़ को देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों से जोड़ने की राह होगी सुगम। छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाई पर ले जाने और रोजगार के अनेक द्वार खोलने वाले 6400 करोड़ रुपए से अधिक के इन प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभीम ने 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभीम ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी CCV बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, ICU, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 CCV को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। आज छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया जाएगा। इसके साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में
राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातीय बाहुल्य जनमानस में सिकल सेल रोग के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा देना तथा उसकी रोकथाम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही कम समय में 40 लाख से अधिक जनजातीय लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 1 लाख से अधिक सिकल सेल काउंसिलिंग कार्ड का वितरण आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है।